हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाले दूसरे T20I मुकाबले की। अब अगर आप देखो, पिछला मुकाबला वेस्ट इंडीज़ जीत कर आया और उन्होंने एक्स्ट्रा बैटिंग जो रखी थी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ उन्हें। वैसे उनके बॉलर्स ना बढ़िया परफॉर्म करा, तो मुझे तो लगता है कि भैया सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली है। मेन एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पर एक कम फास्ट बॉलर खिलाकर एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला सकती है वेस्ट इंडीज़ की टीम। साउथ अफ्रीका की टीम के बैट्समैन ही नहीं चले हैं, पता नहीं क्यों, बट इवन लुइस ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा और साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ने इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है। आर वैन ड्यूसन आपको बढ़िया परफॉर्म करता हुआ दिखा, आपको क्विंटन डिकॉक की पारी बहुत बढ़िया लगी होगी क्योंकि क्विंटन डिकॉक ने भी बढ़िया परफॉर्म करा। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे, अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। वेस्ट इंडीज़ साउथ अफ्रीका सेकेंड T20 खेलते हुए दिखेंगे हमें, सेम ग्राउंड सेम पिच पर मुकाबला होने वाला है 11:30 बजे। वही आज जैसे कल मुकाबला 11:30 बजे हुआ था, आज भी 11:30 बजे फैन कोर्ट पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। प्रीव्यू की अगर आप बात करो, 1-0 से अभी के लिए सीरीज़ में आगे हैं। 5 मैच की सीरीज़ है, कई सारे मुकाबले भी बचे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर टीम ये वाला मुकाबला वेस्ट इंडीज़ ये भी जीत जाती है ना अगर, तब भी ये सीरीज़ डेड रबर नहीं होने वाली है। अब अगर आप देखो, पिछले मुकाबले में बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है इवन लुइस को, बट मेन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी अब कि सिलेक्शन इवन लुइस की बहुत ज़्यादा है। और क्या हर एक मुकाबले में फास्ट बॉलर्स, साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स फेल होते ही रहेंगे? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया क्या यहाँ पर इवन लुइस दोबारा से इतने रन्स कर पाएगा? सेफ टीम में तो आपको इवन लुइस रखना ही रखना पड़ेगा, वहाँ तो आप ड्रॉप ही नहीं कर सकते हो। बट अगर सेफ नहीं खेल रहे हो तो इवन लुइस को ड्रॉप कर देना, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम ड्रॉप करेंगे। अब अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, यार बॉलर्स ने इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है। यहाँ पर नॉर्डजे ने बढ़िया परफॉर्म नहीं करा, उसके बाद अगर आप देखो रबाडा ने बढ़िया परफॉर्म नहीं करा, निगडी ने इंजर्ड करा था इवन लुइस को, इवन लुइस बाहर भी गए फिर वापस आ गए, वाला हिसाब किताब था। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो तो यहाँ पर अभी के लिए बैट्समैन देखो चेज़ करते हुए बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। जो एक विकेट चटकाई थी वो स्पिनर नहीं चटकाई थी, यहाँ पर जो आपके पास वेस्ट इंडीज़ की जो एक विकेट चटकी थी वो स्पिनर ने चटकाई थी, एक इनका रन आउट हुआ था। और अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करोगे तो भैया फैबियन एलन ने विकेट चटका दी थी 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ। रिजा हेंड्रिक 17 रन की पारी, क्विंटन डिकॉक 37 रन की क्विक पारी रही, इसकी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली। टेम्पा बबूमा आराम से ट्राई कर सकते हो, मुझे ना बढ़िया प्लेयर लगा है टेम्पा बबूमा, और आप ट्राई करने को आप भी ट्राई कर सकते हो टेम्पा बबूमा को। रिजा हेंड्रिक्स ने बॉलिंग करवाई, 21 रन खाए एक ओवर में। उसके बाद आर वैन ड्यूसन 56 रन, उसके बाद अगर आप देखो एंडी क्लासन 7, डेविड मिलर 9। देखो डेविड मिलर बढ़िया पिक हो सकता था और जॉर्ज लिंडे भी बढ़िया पिक हो सकता था, बट लिंडे को वही ना लेफ्ट आर्म के खिलाफ इसने इतना बढ़िया परफॉर्म करा नहीं है। इवन लुइस लेफ्ट आर्म बैट्समैन है अगर आपको याद हो, और लेफ्ट आर्म के खिलाफ जॉर्ज लिंडे की परफॉर्मेंस देखने लायक थी भैया, उसने बढ़िया परफॉर्म ही नहीं करा। इसी वजह से अगर आप देखो तो 2 ही ओवर मिले इसे सिर्फ और सिर्फ। फिर रबाडा के 6 रन, और उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर तबरेज़ शम्सी ने 1 विकेट चटकाई, सिर्फ एकमात्र ऐसा प्लेयर जिसने 1 विकेट चटकाई। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एंड्रिस नॉर्चे की परफॉर्मेंस बढ़िया रही, सबसे कम इकनॉमी नॉर्चे की, और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इकनॉमी रही भैया कजिसो रबाडा की, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रही लुंगी एंगिडी की। वैसे अगर आप देखो ना तो रबाडा फिर भी कोई नहीं ड्रॉप करेगा, नॉर्जे फिर भी कोई नहीं ड्रॉप करेगा, और तबरेज़ शम्सी को तो मैं तो लेकर जाऊंगा, प्लेयर्स अभी के लिए नहीं लेकर जा रहे हैं। मैं अभी आपके सामने एक टीम ऐसी बनाऊंगा जो भैया मेरी टीम होगी, पर्सनली मैं उस टीम के साथ बहुत ज़्यादा खेलूंगा एज़ कम्पेयर टू कि जो 2 मैं आपके लिए सेफ टीम्स लेकर आया हूँ उसकी मैं अगर बात करूँ। साउथ अफ्रीका की अगर आप बात करोगे, नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। कोई भी नया प्लेयर आता है अभी के लिए कोई चांस नहीं है कि कोई भी नया प्लेयर आएगा, बट अगर कोई नया प्लेयर आता तो आप यहाँ पर आकर स्टैट देख सकते हो। हो सकता है कि भैया ये भी फॉर्चून को ले आएँ जॉर्ज लिंडे की जगह, तो ये एक प्लेयर आपके लिए बढ़िया हो सकता है, नहीं तो आपके पास और तो मुझे प्लेयर कोई लग नहीं रहा है। वेस्ट इंडीज़ की अगर आप बात करो, आंद्रे फ्लेचर की 30 रन की पारी और इवन लुइस की 71 रन की पारी, ये दोनों प्लेयर्स वैसे होने चाहिए। फिर क्रिस गेल को भी ड्रॉप नहीं करोगे, फिर यहाँ पर आंद्रे रसल को भी आप ड्रॉप नहीं करोगे, फैबियन एलन मुझे नहीं लगता कोई भी ड्रॉप करने वाला अब इस मुकाबले में, डीजे ब्रावो और जेसन होल्डर, तो 7 प्लेयर्स हो भैया इनके हो गए, फिर आप ड्रॉप किसे करोगे? मेन प्रॉब्लम ये हो गई क्योंकि पहले हम लेकर जा रहे थे 7-4 का रेशो, फेवर कौन सा कर रहे थे हम पहले साउथ अफ्रीका को, अब आप एक ही मैच में बिल्कुल ही फ्लिप हो जाओगे भैया मैं 7-4 का रेशो करूँगा वेस्ट इंडीज़ के लिए, तो वो आपको देखकर चलना पड़ेगा। फिर अगर आप वेस्ट इंडीज़ को 7-4 का रेशो फेवर करने वाले हो वो कैसे करने वाले हो,
केविन सिंक्लेयर की अगर आप बात करो, दो ओवर में एक भी विकेट नहीं, जेसन होल्डर 3 ओवर में 1, फैबियन ने 4 ओवर में 2, आंद्रे रसल 3 ओवर में 1, और इसने भैया एक कैच भी बहुत तगड़ा पकड़ा था। उसके बाद वो मैकॉय 4 ओवर में 1 भी विकेट नहीं चटकाई, डेथ मार्कर बॉलिंग करवाई। और डीजे ब्रावो की अगर आप बात करो, 4 ओवर में 2 विकेट, डेथ मार्कर इसने बॉलिंग करवाई। नीचे अगर आप आओगे, हर एक प्लेयर के स्टैट्स प्लस इस ग्राउंड के ऊपर क्या रहा है उसके भी स्टैट देखो। क्रिस गेल का इस ग्राउंड के ऊपर स्टैट्स बहुत बढ़िया थे और उसने पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। और हेटमायर की भी कैचिंग बढ़िया लगी मुझे, बट वही है ना, कैचिंग ही बढ़िया थी। अब अगर ये टीम पहले बैटिंग करती है तो ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा तीसरे चौथे नंबर वाले प्लेयर्स के ऊपर, एज़ कम्पेयर टू कि आप इवन लुइस के ऊपर फिर से फोकस करो। देखो, इवन लुइस को ड्रॉप करना बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है अब इस मुकाबले में, बट अगर आप कर सकते हो, अगर आपके पास वो है कि भैया गट्स हैं कि मैं हाँ कर जाता हूँ, तो उस हिसाब से देखना। क्योंकि अगर मैं आपको रिस्की टीम अपनी वाली दूंगा ना, तो उसमें शायद इवन लुइस ना हो, और इवन लुइस नहीं तो 6-5 का मैं रेशो बनाऊंगा, और शायद 6 प्लेयर्स यहाँ पर साउथ अफ्रीका के होंगे। देखते हैं, अभी मैं आप ही के सामने रेशो बनाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सबसे पहले क्विंटन डिकॉक ऑब्वियसली चॉइस, अगर क्रेडिट इशू आएगा मैं आंद्रे फ्लेचर को ले लूँगा, ठीक है। आरवन डुसैन, क्रिस गेल, एक प्लेयर आपको लेना ही लेना है यहाँ पर, वो ना कैरन पोलार्ड डाल दिया है, तो कैरन पोलार्ड आप ले नहीं पाओगे तो इवन लुइस आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास 2-2 रेशो हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराउंडिंग सेक्शन में मेरे पास ये तीनों प्लेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, तो अब इन तीनों के तीनों को रखूँगा मैं। जॉर्ज लिंडे की परफॉर्मेंस, और अब ये पता लग गया है कि भैया इन प्लेयर्स के सामने जॉर्ज लिंडे की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा शायद बढ़िया ना रहे, तो इस वजह से मैंने जॉर्ज लिंडे को ड्रॉप कर दिया। पिछले मुकाबले मैंने रखा था क्योंकि ये स्पिनर बहुत बढ़िया है, वैसे बोलने वाली बात है कि इतना बढ़िया नहीं है। अगर आपको याद होगा, जो इसने पिछले कुछ टेस्ट मैचेस खेले हैं वहाँ पर भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले नॉर्जे, दूसरा प्लेयर यहाँ पर तबरेज़ शम्सी, तीसरा प्लेयर अगर आपके पास होगा तो डीजे ब्रावो। अब चौथा आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, किसे लेकर जाना चाहते हो, 7-4 का रेशो करना चाहते हो तो फिर आंद्रे फ्लेचर के साथ जाओ, नहीं तो अगर 6-5 का रेशो करना चाहते हो और आपके पास कोई मतलब आपको लग ही नहीं रहा है कि यार मैं बैट बॉलिंग मुझे लेनी नहीं है, इनकी बैट्समैन मैं ले नहीं पाऊंगा, तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए जो सेफ चीज़ रहेगी ना, टेम्बा बबूमा को लेकर जाओ। भैया बबूमा की बैटिंग मुझे बहुत बढ़िया लगी है पिछले मुकाबले में, उस हिसाब से अगर आप देखो तो टेम्बा बबूमा बढ़िया होगा। अगर टेम्बा नहीं खेलता, मानकर चलो बबूमा चेंजेस करता है टीम में अपनी, तो मोस्ट चांसेस ये हैं कि मार्करम आएगा टीम के अंदर। मार्करम आता है तो मार्करम को रखेंगे, क्योंकि फिर वो स्पिनिंग भी ऑप्शन आपके पास रहेगा, जैसे रीजा हेंड्रिक्सन ने 1 ओवर करवाया था, तो उस हिसाब से आपको देखकर चलना है। वैसे आंद्रे फ्लेचर एक बहुत सेफ ऑप्शन है, हेनरिच आपके पास, मैं आप इसकी बात कर रहा हूँ, हेनरिच क्लासन की, क्लासन इज़ आल्सो अ गुड पिक, और डेविड मिलर इज़ आल्सो अ गुड पिक। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कम है, बट आप ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करोगे ना, तो जो सेफ जाओगे अगर आप, तो क्विंटन डिकॉक एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टनसी मैंने पिछले मुकाबले में भी आंद्रे रसल को दी थी, उसने बढ़िया परफॉर्म करा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आंद्रे रसल से, मैं दोबारा से दूंगा। होल्डर को भी दे सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, होल्डर को भी देने हो, बट वो ये कि अगर हिटिंग की बारी आएगी तो भैया आंद्रे रसल बहुत बढ़िया पिक होने वाला है आपके लिए। अब सबसे पहले टीम की अगर आप बात करो, आरवन डुसैन एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टनसी दे रखी है वो आंद्रे फ्लेचर, क्विंटन डिकॉक, हेनरिक लेसन, उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर क्रिस गेल, इवन लुइस, आंद्रे रसल, फैबियन एलन, ब्रावो आपके पास है, रबाडा और ए नॉर्जे, पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर आप बात करो, कैप्टेंसी जो यहाँ पर दे रखी है, क्विंटन डिकॉक वाइस कैप्टेंसी, आंद्रे रसल, पोलार्ड आपके पास है, हेनरिक आपके पास है, उसके बाद डेविड मिलर, इवन लुइस, आरवन डुसैन, जॉसन होल्डर आपके पास है, ब्रावो, तबरेज़ शम्सी, और यहाँ पर ए नॉर्जे आपके पास है। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है, अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। एक्स्ट्रा बैट्समैन पिक करे हैं मैंने यहाँ पर, अगर आप देखो, एक कम बॉलर पिक करा है, जो मेरे पास फैबियन एलन का एक ऑप्शन रहने वाला है, बट फैबियन एलन को आप दोबारा से ड्रॉप कर सकते हो, बट यार ये पिच बहुत बढ़िया है स्पिनर्स के लिए, इस वजह से मैंने कल भी जॉर्ज लिंडे और तबरेज़ शम्सी को पिक करा था, कि मुझे ये था कि भैया जॉर्ज लिंडे बढ़िया परफॉर्म कर जाएगा, शायद फैबियन एलन ना कर पाए, बट फैबियन एलन ने बढ़िया परफॉर्म करा, जॉर्ज लिंडे ने नहीं। और हो सकता है कि आज के मुकाबले में ना बी फॉर्चून खेल जाए, अगर बी फॉर्चून खेलता तो फिर मैं टेम्बा बबूमा को ड्रॉप करके बी फॉर्चून को लेकर जाऊंगा, ये भी मैंने पक्का अपने उसमें कर रखा है, कि क्योंकि वो स्पिनर बहुत बढ़िया है बी फॉर्चून भी। वैसे जॉर्ज लिंडे ही बढ़िया था, वो ऑलराउंडर भी बढ़िया है वैसे जॉर्ज लिंडे, बट उसने इतना बढ़िया परफॉर्म करा नहीं है पिछले मुकाबले में। क्विंटन डिकॉक एज अ कैप्टन, फिर उसके बाद क्रिस गेल, टेम्बा बबूमा, इवन लुइस, आरवन डुसैन, वाइस कैप्टनसी यहाँ पर आंद्रे रसल, होल्डर, फैबियन एलन, ब्रावो, तबरेज़ शम्सी और ए नॉर्जे। यहाँ पर रबाडा को नहीं रखा हुआ है, बहुत बड़ा रिस्क है रबाडा को ना रखना। आप क्या कर सकते हो, बबूमा को ड्रॉप करो और यहाँ पर रबाडा को लेकर जाओ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ऑप्शन बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है, क्योंकि फिर आपके पास ना बैट्समैन नहीं बचेंगे किसके,
साउथ अफ्रीका के कौन से बैट्समैन, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि भैया कोई भी परफॉर्म ना करे, ऐसा तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आपको साउथ अफ्रीका की टीम 100 से कम रन में आउट होती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि इनके पास भी इतने बढ़िया कोई बॉलर है नहीं। वो तो टेक्निकली अगर आप देखो ना, टेक्निकली बॉलर्स कौन कौन से बढ़िया हैं, वो ओबे मैकवाय आपके पास बहुत बढ़िया है, जिसने पिछले मुकाबले में एक भी विकेट नहीं चटकाई है, और उसके बाद एक और आपके पास कॉटरेल खेल रहा था कल शायद, तो कॉटरेल ने भी इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा वैसे, हाँ कॉटरेल खेल नहीं रहा था, तो एक और बॉलर था इनके पास फास्ट बॉलर केविन सिंक्लेयर, एक इनके पास बढ़िया बॉलर था, बट केविन सिंक्लेयर ने भी इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा। तो जो टेक्निकली बढ़िया प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने पिछले मुकाबले में परफॉर्म ही नहीं करा था नॉर्मली। मैं टेक्निकली इन्हें बढ़िया क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जेसन होल्डर भी बढ़िया, वैसे टेक्निकली बॉलिंग बहुत बढ़िया करता है जेसन होल्डर, आंद्रे रसल, और यहाँ पर अगर आप देखो तो डीजे ब्रावो, ये सिर्फ और सिर्फ स्लो बॉलिंग डालते हैं। आपको ये पता है क्या करते हैं, बैक ऑफ द हैंड बॉलिंग डालेंगे और वहीं से विकेट लेकर आते हैं, ज़्यादा आपको विकेट और कहीं से देखने को मिलती है, और इन दोनों के पास पेस भी नहीं है, तो जो पेस बॉलर्स थे उन्होंने तो इतना बढ़िया परफॉर्म करा नहीं है। ये पूरी की पूरी टीम मेरे लिए स्मॉल लीग और स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।